शिलोंग के लिए निकल रहा हूँ मैं आज, और आज का जो मेन पर्पस का ब्लॉग है वो है सरायघाट एक्सप्रेस, उस बेसिस पे मैं आज ब्लॉग करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं डुएट ब्लॉग्स। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये होने वाला है, हम लोग आज जाएंगे शिलोंग के लिए, निकल रहा हूँ मैं आज। सो वहाँ का ब्लॉग तो आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली, और आज का जो मेन पर्पस का ब्लॉग है वो है सरायघाट एक्सप्रेस, उस बेसिस पे मैं आज ब्लॉग करने वाला हूँ कि सरायघाट एक्सप्रेस पे आपको खाना कैसा मिलेगा, कितना टाइम से कितना टाइम के अंदर गुवाहाटी स्टेशन पहुँचा देता है वगैरह सब। सरायघाट जो एक्सप्रेस है उसके बारे में ऑल डिटेल्स आज मैं इस ब्लॉग पर आपको दूंगा, जर्नी कैसा होता है। तो आप ब्लॉग के साथ एंड तक बने रहो, और चैनल पे नए रहने से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करो। तो मिलते हैं अब ट्रेन जब एंट्री लेगा। तो फाइनली अभी अपना ट्रेन जो है वो एंट्री ले चुका है, तो अभी मैं भी अब अंदर जाऊंगा, और अंदर में मेरा जो मतलब मैं बैठूंगा स्लीपर में, एसी का टिकट नहीं मिला क्योंकि बहुत मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा है उसका, और मिला ही नहीं, इसलिए स्लीपर में मेरा जो बैठने का सीट मिला है वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, और स्लीपर में कैसा खाना मिलता है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो चलिए अब अंदर एंट्री करते हैं। फाइनली अभी मैं अंदर आ चुका हूँ अपने बॉगी का स्लीपर। सो अभी हम लोग 8 जनी जा रहे हैं, और यहाँ है एक छोटी बदमाश, ये है आंटी, उधर है मम्मी, और दीदी तो दूर में बैठी है, उसको सब भगा दिया है यहाँ से, और ये है अंकल, और ये है नानी, नानी। तो पापा अभी थोड़ा बाहर गए हैं, तो अभी आएंगे तो उनसे भी मिलवा दूंगा। सो अभी अब अपना जर्नी जो अभी स्टार्ट होने वाला है हावड़ा से, हावड़ा टू गुवाहाटी। तो आपका पूरा जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, तो आप पूरा फुल वीडियो ज़रूर देखो, और मिलता हूँ थोड़ा देर बाद आपसे जब ट्रेन यहाँ से छूटेगा हावड़ा से। सो फाइनली अभी हावड़ा से ट्रेन 3:55 में छोड़ दिया है, पूरा करेक्ट टाइम में ट्रेन छोड़ा है, तो अभी देखते हैं कि गुवाहाटी करेक्ट टाइम में पहुंचाता है कि नहीं। 10:05 में कल सुबह को टाइमिंग है, तो चलिए जर्नी का अब इंजॉय लेते हैं। लेट गेट स्टार्ट। वर्धमान स्टेशन, सो वर्धमान स्टेशन में अभी गाड़ी रुका हुआ है, और अब वर्धमान स्टेशन के बाद अभी शाम हो चुका है, और अब आपको दिखाऊंगा मालदा डैम, बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है। अभी मालदा डैम रुकने में लगभग रात का 9:30 बजेगा, और यहाँ सब कोई मस्ती कर रहा है अभी, और दीदी वहीं पर बैठी है अभी तक, और एक पागल बंदर ऊपर चढ़ गई है पागल बंदरी ऊपर चढ़ गई है देखिए तो चलिए अब मिलते हैं मालदा डैम के, वहाँ जाके 9:30 तक लगभग घुस जाएगा मालदा डैम के पास, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, अब वो वाला आपको दिखाऊंगा, और अभी खाना में तो टाइम है, तो अभी तक आप सफर का एंजॉय लीजिए। बाथरूम का अंदर यहाँ का जो सरायघाट एक्सप्रेस है इसका बाथरूम कैसा रहता है, बाकी सब तो मैंने आपको दिखाया। स्लीपर कोच बहुत ही साफ आए, दो बार भैया लोग आए, मतलब यहाँ का जो स्टाफ है दो बार आए, दो दफ़ा आके ये लोग आके साफा करके गए, कुछ भी गंदा गिरा हुआ है ये लोग साफा बार बार करके जा रहे हैं, डाउट नहीं है कि साफ बहुत रह रहे हैं। और अब अंदर का बाथरूम कैसा है दिखाता हूँ, एक मिरर, बड़ा सा मिरर है, और ये बाथरूम, मतलब बाथरूम भी बहुत ही क्लियर मतलब साफा है, तो
इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप, इस ट्रेन का टिकट काट सकते हो गुवाहाटी एक्सप्रेस तक जाने के लिए। मतलब बहुत ही साफा और अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और साफा बहुत है। आवाज़ शायद ठीक से नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत तेज गाड़ी दौड़ रहा है इसलिए। तो चलिए अब मिलता हूँ मालदा पे। मालदा पे जो हाल टाइप का है वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बहुत औसम व्यू आएगा, वो देखिए आप। तो अपना खाना जो है कंप्लीट कर लिया, आपको बोला था मैं रिव्यू दूंगा यहाँ का खाना का, तो रिव्यू अगर दूँ तो सच बोलूँ तो यहाँ का खाना जो है आप मत लो, अपना घर से लेके आओ, क्योंकि कैटरिंग का जो खाना होता है ना, वेज लो या नॉन वेज लो, मतलब हमने लिया एक वेज एक नॉन वेज लिया था मैंने रिव्यू के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इतना गंदा मतलब स्मेल आ रहा था ना, मम्मी उठा के फेंक दी, मतलब वीडियो बनाने से पहले फेंक दी, मतलब लिटरली बहुत घटिया खाना देता है। अब खाना मत लो तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, आप अगर अपने घर से खाना लेके आते हो वो सही रहेगा, बट यहाँ का खाना मत लो। तो ये है डैम, ये देखिए बहुत गहरा है, पानी है पूरा काला काला, आपको दिख रहा होगा पानी है, और यहाँ से रेल का पटरी स्टार्ट हुआ है और उस साइड भी पानी है। अभी लॉरी पास हो रहा है, रात काफी हो चुका है, ट्रेन भी लेट है, और देखिए पानी बहुत गहरा है, पूरा ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, और बहुत तेज बहाव है और बहुत खतरनाक लग रहा है देखने में। और ये बहुत बड़ा डैम है, मतलब बहुत लंबा है, क्योंकि देख सकते हैं आप बहुत सा गाड़ी यहाँ से जा रहे हैं, मजबूत डैम है, बहुत देख के ही लग रहा है बहुत लंबा है। ब्रिज था बहुत ज़्यादा लंबा था, आप पीछे देख सकते हो, मुझे विंडो साइड भी बहुत अच्छा मिला है, यहाँ पे मम्मी सोई है, मतलब बहुत लंबा ब्रिज है, पीछे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कल देखता हूँ ट्रेन कितना टाइमली पहुँचता है, आपको लास्ट रिव्यू वही दूंगा, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में बनाऊंगा वीडियो। सो आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखो, और देखते हैं कल सुबह का जर्नी कैसा रहता है हम लोगों का। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी तुरंत सुबह अभी सो के उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, रात को ठीक से नींद तो हुआ नहीं, लेकिन सुबह टाइम में अभी बहुत तेज का ठंड लग रहा है। अभी आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ, बाहर कैसा कोहरा मतलब कुआसा है, चलिए आपको अभी बाहर का सीन दिखाता हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है। अभी मैं जैकेट पहले पहन लूँ, ये मेरा जैकेट है, उसके बाद मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ विंडो से, चलो देखते हैं। तो अभी ये पागल तो सारा सोई नहीं है। तो अभी आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ, बाहर मतलब पूरा कुआसा है, आपको अब दिखाता हूँ विंडो खोल के, सारा रात नहीं सोई है, पूरा मेंटली डिस्टर्ब है इसके। विंडो खोलूँगा, अरे बाप रे बाप, तो आप देख सकते हैं कि मतलब पूरा कुआसा अभी है, अभी आगे पीछे पूरा कुआसा, और मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है, मस्त नज़ारा, मस्त सीन। हम लोग आसाम आधा घंटा पहले ही मतलब चले आए हैं, फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया है, मस्त सीन लग रहा है पूरा, मतलब आसमान और धरती जैसे कि एक हो गया है पूरा। यार ब्रश करके आके आप लोगों से मिलता हूँ, ब्रश कर लूँ तो फ्रेश हो तो उसके बाद आके चाय लेके आप लोगों से मिलता हूँ। ओके सबको कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो बाकी सबको कैसा लग रहा है, पहले पापा से स्टार्ट करते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, सुबह का धूप निकली है, मतलब बहुत दिन बाद हम लोग कहीं लॉन्ग टूर कर रहे हैं। आया है मेरी मम्मी, छोड़ो कुछ नहीं बोले दूसरा कुछ। मम्मी कैसा लग रहा है? Awesome.
ऑसम। आया छोटा पागल कैसा लग रहा है? सिर्फ पागल बोलता रहता है, ये भी बड़ा पागल है। आप दोनों कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन बात एकदम भी मतलब पहले सर्कस उर्कस में थी, अभी नहीं है। आपसे बाद में मिलता हूँ मैं। कामाख्या स्टेशन में गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है, अभी टाइम हो रहा है 10:50 और गाड़ी दिखा रहा है 11:20 में वहाँ पे आके पहुँचाएगा, मतलब गुवाहाटी। हम लोग को गुवाहाटी उतरना है, तो बहुत लोग यहीं उतर गए हैं। हम लोग का जो होटल है वो गुवाहाटी में बुक किया हुआ है, इसलिए हम लोग तो गुवाहाटी उतरेंगे और गुवाहाटी में जाके ये ब्लॉग जो है एंड होने वाला है। तो देख हो रहा है, अभी गुवाहाटी स्टेशन में जो है उतार दिया है और सबको यहाँ पे लगेज लेके अभी सब खड़ा है। अब हम लोग जाएंगे अपने होटल के तरफ। सो यहीं तक का ये वीडियो है, क्योंकि ये था सरायघाट एक्सप्रेस को लेके। सरायघाट एक्सप्रेस का टाइमिंग मैं बोलूँगा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि टाइमिंग 10:05 पर था, अभी 11:20 हो रहा है। सो आप बुक करिएगा तो थोड़ा देख के करिए, अगर कोई दूसरा गाड़ी आता हो तो वो भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नए रहने से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा इसके लिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप ज़रूर वो वीडियो वॉच कीजिएगा। सो अभी बाय।